नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। आज हम बात करेंगे चुनावी विश्लेषण की। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है। आप सब लोग अपने मत अधिकारों का प्रयोग करेंगे। 11 फरवरी को आपके मत गिने जाएंगे और वो मतों में पता चलेगा कि किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार। और 14 फरवरी तक लगता है दिल्ली में शपथ भी ले ली जाएगी। मगर इस बीच आरोप प्रत्यारोप, टिकट काटनी, पैराशूट लैंडिंग का जो एक घटनाक्रम शुरू होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और शुरुआत करेंगे हरिनगर विधानसभा से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरिनगर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को अनाउंस कर दिया है। आम आदमी पार्टी के लगभग 70 के 70 कैंडिडेट्स की टिकट अनाउंस हो चुकी है और 15 विधायकों की टिकट काट दी जा चुकी है, जिसमें से हरिनगर से विधायक जगदीप सिंह का भी नाम था, जो 2 बार से हरिनगर विधायक रह चुके हैं, जिन्होंने हरिनगर में बैठे हुए अकाली दल से जो कैंडिडेट थे अवतार सिंह हित को हराया। उससे पहले बीजेपी से इम्पोर्ट किए गए कैंडिडेट श्याम शर्मा को हराया अकालियों ने, जिनको वहां पर निगम पार्षद भी थे। मगर अब आगे क्या होगा, क्योंकि इस बार जो बीजेपी की लड़ाई है वो अकालियों के साथ नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं। आम आदमी पार्टी में पैराशूट लैंडिंग से इंपोर्ट की गई कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद, जो 2012 से लेकर 2000 निगम पार्षद रही और 2017 में उन्हें निगम पार्षद बनने का मौका भी नहीं मिला, पार्टी ने उनको टिकट ही नहीं दी थी। मगर आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या देखा उनके अंदर कि अचानक एक दिन यानी कि 24 घंटे से भी कम समय पूर्व उन्हें बुलाकर और पार्टी की टिकट भी दे दी गई एक निगम पार्षद को। तो दोस्तों, इस पे हम सब कुछ विचार कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे करप्शन की बू आ रही है, अपने पुराने विधायक को अगर आपने बदलना था तो आप उसकी जगह पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दे सकते थे। कि आम आदमी पार्टी ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि हमने जब देखा था वहां पर कई बार केबी सिंह नाम के शख्स के पोस्टर भी लगे हुए थे और भी आम आदमी पार्टी के कई शख्स दौड़ में शामिल थे। कोई कैमरे के आगे था, कोई कैमरे के पीछे था, कोई पर्दे के आगे था, कोई पर्दे के पीछे से बात कर रहा था। पार्टी भी हर तरफ अपनी अपनी सब अप्रोचे लगा रहे थे, अपने काम को दिखा रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ, 3 निगम पार्षद 3 वार्ड बनते हैं हरियाणा विधानसभा में, तीनों निगम पार्षदों को टिकट नहीं दी गई, मौजूदा विधायक को टिकट नहीं दी गई, पार्टी के किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी गई और उस निगम पार्षद को टिकट दी गई और उस इलाके में टिकट दी गई दोस्तों जो सिख बहुल इलाका है। दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा में लगभग 26 से 29 हज़ार सिख वोटर हैं और लगभग 60 से 62 हज़ार पंजाबी वोटर कास्ट करता है, क्योंकि आज़ादी के वक्त जब देश का पार्टीशन हुआ तो उस पार्टीशन के टाइम पे बहुत से पंजाबी जो है पाकिस्तान से माइग्रेट हो गए, इस क्षेत्र में आके बसे थे। तो इस क्षेत्र में पंजाबी बहुल इलाका कहा जाता है। उस इलाके के अंदर एक नॉन पंजाबी को टिकट दे रहा, और टिकट देने से पहले केजरीवाल जी का ये बयान कि वो सिखों में बड़ी नेता हैं, सिखों ने इस बात का काफ़ी विरोध भी किया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसकी वीडियोस भी उन्होंने वायरल करने की कोशिश की है कि हम वो हमारे सिखों की नेता नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि राजकुमारी ढिल्लो सिखों की नेता नहीं है। मगर आम आदमी पार्टी ने उनमें ऐसा क्या देख लिया कि अचानक उनको टिकट दे दी? क्या अब ये मुकाबला बीजेपी वर्सेज कांग्रेस नहीं रह गया, इसमें आम आदमी पार्टी दिखाई थी बैकआउट नहीं मार गई? क्योंकि सिंबल जरूर आम आदमी पार्टी का है, मगर राजकुमारी ढिल्लो पे आज जो तमगा है वो कांग्रेस का ही चलेगा। और आप अगर देखेंगे और आप अगर इस आसपास की विधानसभा में रहते हैं तो आप जान चुके होंगे कि अब तक किस तरीके से व्हाट्सएप वायरल होने शुरू हो चुके हैं, किस तरीके से विरोधी बातें शुरू करने, विरोधी व्हाट्सएप आने शुरू हो चुके हैं। राजकुमारी ढिल्लो ने कभी कहा होगा कि इंदिरा गांधी मेरी माँ है तो उसकी वीडियो वायरल हो रही है, कुछ कहा होगा एक्स वाई जो भी उन्होंने कहा उसकी वीडियो वायरल होने शुरू हो चुकी है, क्योंकि सिखों के सेंटीमेंट्स कांग्रेस साथ कभी नहीं जाते, ये बीजेपी का गढ़ रहा था। बीजेपी ने अपनी सीट अकालियों को ट्रांसफर की, तब से बीजेपी इस सीट को हारना शुरू कर चुकी थी। उसी तरीके से लगता है कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सीट जब से कांग्रेस से इंपोर्ट की कैंडिडेट को ट्रांसफर की है, क्या आम आदमी पार्टी का भी यही असर होगा, या आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो केजरीवाल जी की लहर पे जीत जाएंगे? अगर ये भी लगता है तो दोस्तों, उनके मौजूदा विधायक या उनके पार्टी से कोई निगम पार्षद को टिकट देकर भी तो उस लहर पे जीता जा सकता था, कांग्रेस से ही इंपोर्ट क्यों? क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है। और कुछ मेरे फैंस, कुछ हमारे दर्शक, फैंस तो नहीं कहूंगा, हमारे दर्शक, वॉइस ऑफ इंडिया के दर्शक हमें कमेंट करके कह रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंस्ड हैं। दोस्तों, हमने निष्पक्ष पत्रकारिता की है शुरू से आज तक, हम उसी को करते आ रहे हैं। जब कोई बात सही है तो हमने सही कहेंगे, जब कोई गलत है तो हम गलत भी कहना एक पत्रकार का फर्ज है और हम उसे निभाते आ रहे हैं। जहां तक बात रही कमेंट्स की, आपके कमेंट सरमाथे पर, आपने गालियां भी दी हैं तो हमने उसको भी सरमाथे पर रखा है, आपने अब्यूजिंग लैंग्वेज उसके सरमाथे पर रखा। अगर आप हमें
कुछ और कहना चाहते हैं तो वो भी आपके सर माथे पर, एटलीस्ट आप हमें सुन रहे हैं हमारी बात को। दो बातें होती है, अच्छी लगेंगी या बुरी लगेंगी, हमें दोनों ही एक्सेप्ट करनी है और हम दोनों बातें आपकी एक्सेप्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जो भी आप हमें कह रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राजकुमारी ढिल्लो ऐसा कैंडिडेट है कि आम आदमी पार्टी को जिता सके अपने दम पर, केजरीवाल की लहर पर नहीं अपने दम पर? तो सवाल आपका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा नीचे हमारे YouTube चैनल के ऊपर कि क्या राजकुमारी ढिल्लो इतना बड़ा नाम है कि अपने दम पे हरा सकती हैं। और दूसरी बात, प्लीज कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर यहां पर भी कि राजकुमारी ढिल्लो क्या सिख लीडर हैं? अगर राजकुमारी ढिल्लो सिख लीडर हैं तो फिर उनके घर में कोई तो सिख होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है, लोग पूछ रहे हैं एक नॉन सिख लीडर, एक नॉन सिख सिखों का लीडर कैसे हो सकता है? दोस्तों आप कुछ सोचिए, क्या श्याम शर्मा जो कैंडिडेट है बीजेपी से, क्या वो लीड नहीं ले जाएंगे इस बात को लेते हुए? क्योंकि आम आदमी पार्टी से शायद श्याम शर्मा को फाइट देनी मुश्किल होती, मगर अब ये चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं रह गया, अब ये चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस नहीं रह गया, अब ये बीजेपी की एक्स कैंडिडेट वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस की एक्स कैंडिडेट वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस की एक्स कैंडिडेट वर्सेस कांग्रेस चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप खुद विचारिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि जहां 15 एमएलए की टिकट काटी गई है क्या उन 15 एमएलए की जगह क्षेत्रीय कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए थी, या पार्टी में इंपोर्ट किए गए कांग्रेस के एमएलए को टिकट दे दी जानी चाहिए थी? तो दोस्तों फैसला आपका, क्योंकि हमारा मानना है कि आम आदमी पार्टी राजनीति बदलने आई थी, और राजनीति बदलने के मतलब यह नहीं था कि कैंडिडेट बदल दिए जाए और कैंडिडेट बदल के कांग्रेस के उन विधायकों को, उन एमएलए को दे दिए जाए जिन्हें जनता ऑलरेडी नकार चुकी थी। तो इस तरीके विषय आपको कैसा लगा देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा। दोस्तों नमस्कार।